ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने की घटना सामने आई है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुकान में काम करने वाला एक नौकर ही निकला। ठाणे जिले के कल्याण शहर में जहां एक आभूषण विक्रेता के नौकर ने दुकान में रखे 45 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। यह मामला कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में धारा 408 के तहत दर्ज किया गया था और पुलिस की दो टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगाई गई थी। पुलिस ने राजस्थान में जाकर चोर का साथ देने वाले व्यक्ति जगदीश भोलाराम देवासी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 41 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना को कल्याण पुलिस ने सुलझाते हुए 45 लाख में से 41 लाख रुपए बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में एक और गुनाह दाखिल हुआ है। ये ज्वेलर्स की एक रकम थी लगभग 45 लाख। उनका जो नौकर है वो 45 लाख जो रोक रकम है वो लेके फरार हो गया था। उसके तहत हमारे महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में से आईपीसी सेक्शन 408 के तहत एक गुना दाखिल हुआ था। हमारे महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और उनकी पूरी टीम ने दो पतक बना के राजस्थान में भेज दिए थे। वहां से जो नौकर वहां से यहाँ से पैसा लेके फरार हुआ था उसका जो साथीदार था जगदीश भोलाराम देवासी उसको ताबे में लेके लगभग 41 लाख रोक रकम उससे ताबे में लिए है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू।